अंबेडकर नगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान के नाम पर विपक्ष ने जनता को गुमराह कर वोट लिया। संविधान खतरे में नहीं था, विपक्ष खतरे में है। मोदी जी के सामने कोई सरकार बनाने की हैसियत में नहीं आ रहा है। इंडिया का कल बैठक था, आपको नहीं बुलाया गया? अरे कल बैठक है महाराज, आपको पता ही नहीं है? कल बैठक थी, कल बैठक है, कल उनको बुलाया गया था जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे, उनको बुलाया गया। क्या विपक्ष संविधान खत्म करने वाला जो रूमर फैलाया था सफल हो पाया? अब तो बच गया ना। ये जनता को गुमराह करके वोट लेने का तरीका है। संविधान खतरे में नहीं है, उनकी पार्टी खतरे में है, उनके नेता खतरे में है, वो खतरे में है। इस नाते वो परेशान है कि मोदी जी के सामने कोई सरकार बनाने की हैसियत में नहीं आ रहा है। मजे की बात, आपने देखा कि 99 सीट जीतने वाला देश की सरकार बनाने के लिए जश्न मना रहा है, और 293 सीट जीतने वाला चुपचाप मार के साइलेंट है। कितनी मतलब अचंभों की बात है। तो देश का संविधान मोदी जी के हाथों में सुरक्षित था, योगी जी के हाथों में सुरक्षित है, कहीं कोई खतरा नहीं। लेकिन ये चिल्ला रहे थे अखिलेश जी और राहुल जी, इनसे पूछो कि जब मायावती जी ने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को 22.5% रिजर्वेशन ठेके में दिया, तो उसको खत्म किसने किया? उस संविधान को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को जब लागू हुआ, तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। गरीब कमजोर पिछड़े दलित को हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई उनके नाम से, उन महापुरुषों की जो बनाई गई योजना, खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। ये क्या बोलेंगे? ये तो जनता के बीच में वोट लेने का इनका एक तरीका निकला, वोट ले लिए।